हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मक्के की फसल पर सेकंड स्प्रे, दूसरा छिड़काव। फर्स्ट स्प्रे पर जब मक्के की फसल 25 दिन के आसपास की हुई थी, तो उस समय हमने एमामेक्टिन वेंजोएट 100 ग्राम का प्रयोग किया था, और जो एसी टाइम पर 20% SPR थी इसको, और Z78 या फिर रोगो फंगीसाइड को रिकमेंडेड किया था फर्स्ट स्प्रे के साथ। तो उस समय जब 25 दिन के आसपास की हमारी मक्के की फसल हुई थी, तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग के दिनों पर ही 20-25 दिन में फॉल आर्म वर्म का प्रकोप यानी सुंडी इल्ली का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो उस समय कुछ किसानों के खेत में हो सकता है कि अभी तक कोई भी स्प्रे ना किया हो। उसका कारण है कि यदि कोई भी कीटों का प्रकोप यदि नहीं हुआ है, तो उन्होंने हो सकता है एमामेक्टिन का या फिर अभी तक कोई भी स्प्रे ना किया हो। लेकिन जिन इलाकों पर, जिन क्षेत्रों पर, जिन किसान भाइयों के खेतों पर फॉल आर्म वर्म का स्टार्टिंग पर अटैक हुआ था, तो उनको तो हमने एमामेक्टिन वेंजोएट सजेस्ट कर दिया था और उनने स्प्रे भी किया और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन अब बात आती सेकंड स्प्रे यानी 45 से 55 दिन के आसपास की हमारी अभी मक्के की फसल हो रही है, तो इस समय कौन सी समस्या आ सकती है और समस्याओं को जड़ से कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फार्मूला, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मक्के की फसल पर सेकंड स्प्रे जब हमारी मक्के की फसल बुआई से लगभग 50 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको लेना है एंट्राकोल फंगीसाइड। अब यह जो बायर कंपनी की आती है एंट्राकोल, इसमें जो साल्ट है प्रोपिनिब 70% WP पाउडर फॉर्म में यह फफूंद नाशक आती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसका डोज है 400 ग्राम प्रति एकड़। एंट्राकोल या फिर सिजेंटा कंपनी कवच, जिसमें क्लोरोथालोनिल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एंट्राकोल और कवच दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कवच बेस्ट है। 400 ग्राम दोनों में से कोई एक को आपको प्रयोग करना है, ध्यान रखिए किसी एक को। और इस फंगीसाइड के साथ आप एक अच्छी कीटनाशक का प्रयोग करना है, जो कि एम्पलीगो हो सकती है, जिसमें क्लोरेंट्रा नेलीप्रोल और लैम्डा सालोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। यह जो एम्पलीगो दवाई आती है, यह ZC फॉर्म में आती है और काफ़ी अच्छा भी कवरेज देती है। यह न केवल चबाने वाली इल्लियों को कंट्रोल करती है, बल्कि रस चूसक कीटों पर भी काफ़ी बहुत ही प्रभावशाली यह कीटनाशक है। 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, और इसके साथ सस्ते में दानों का भराव अच्छा हो और भुट्टों की जो साइज़ है, जो वज़न है, वो बढ़े, तो इसके लिए हम NPK 13045 एक किलोग्राम ले रहे हैं। अब कुछ लोग NPK 13045 की जगह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन सस्ते में हमारा काम अच्छा हो जाए, यानी हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि उत्पादन को अच्छा निकालना, और सस्ते में कम खर्चों के साथ यदि उत्पादन आप अच्छा निकाल सकते हैं, तो यह भी एक अपने आप में उत्पादन को बढ़ाने में या फिर लागत को कम करना और मुनाफा को बढ़ाने की यह एक निंजा टेक्निक हो सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको पूरे 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करेंगे, तो पावरफुल के साथ साथ शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक एकड़ का खर्च 1280 रुपये से 1350 रुपये के आसपास का खर्च लगने वाला है, प्रति एकड़ का खर्च। इस कॉम्बिनेशन को मक्के की फसल पर स्प्रे करने से बढ़वार अच्छी होगी, जो भुट्टा है, जो पौधा है, वो मोटा होगा, और क्लोरोफिल की मात्रा तो बढ़ेगी, साथ में फंगस जो हैं, सबसे बड़ी बात जो फंगस की समस्या आती है, वह फंगस कंट्रोल होंगे, कीट कंट्रोल होंगे, फॉल आर्म वर्म है, सकिंग पेस्ट है, और दानों का भराव अच्छा होगा, क्योंकि हम NPK 13045 को भी ले रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को एक एकड़ में स्प्रे कर दीजिए, और थोड़ा सा जड़ों के पास अच्छी नमी रहेगी, तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल आप दोपहर में शाम टाइम कभी भी स्प्रे इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए, और आप शॉर्ट में यदि जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को अवश्य फॉलो करें। इंस्टाग्राम की जो ID है शिव कुमार ऑफिशियल TAA को अवश्य आप फॉलो कर लीजिए। तो मिलते रहेंगे हम इसी प्रकार की नई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।